हेलो अक्षय। हेलो सर। ओके, विल स्टार्ट योर इंटरव्यू। सर धीरे सर। हेलो अक्षय। व्हाट इज सो गुड अबाउट टुडे? व्हाट्स टुडे डेट सिग्निफाइज? 5th October 2023। व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट अबाउट इट? यस सर। सर एक्चुअली आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ 5th October। सॉरी सर। सो आरएंट वी स्टार्टिंग आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टुडे? यस सर, वी आर स्टार्टिंग। यस, सिंस वी थैंक आर यू सर। रिटन क्रिकेट एज योर वेरी प्राइम हॉबी, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड बेटर आंसर हियर। इट्स ओके। सो हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस? ओके, सो आई वाज आस्किंग हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्ल्ड कप? सर एग्जैक्ट नंबर आई एम नॉट श्योर ऑल्सो। इट्स ओके अप्रोक्सी 12 12 में। ओके। सो वेयर आर यू फ्रॉम इन हरियाणा? सर आई एम फ्रॉम भिवानी डिस्ट्रिक्ट। भिवानी। सो अक्षय, अगर मैं भिवानी के आसपास आता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि भिवानी में मैं आऊँ और थोड़ा चार पांच जगहों घूमूँ, मैं मेरे पास एक दिन है और भिवानी आप चाहते हो, मैं आप मेरे टूर गाइड हो उस दिन के लिए, तो कहाँ कहाँ पे आप मेरे को घुमाना चाहोगे भिवानी में? यस सर। सर भिवानी में चार पांच चीजें काफी फेमस है। एक तो इसको जैसे छोटी काशी बोला जाता है, तो यहाँ पे काफी टेम्पल्स हैं। तो एक जैसे देवसर दामवट टेम्पल है, पहली मेरा लिस्ट वो होगा क्योंकि छोटी काशी बोला जाता है और एक बिगिनिंग भी हो जाएगी अच्छी। एक रिलीजियस प्लेस है जैसे हमारी ट्रेडिशनल बिगिनिंग होती है। दूसरी जगह सर यहाँ पे इसको मिनी क्यूबा भी बोला जाता है भिवानी को, तो क्योंकि यहाँ पे काफी स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं, खासकर बॉक्सर्स हैं, रेसलर्स हैं, उसके लिए काफी फेमस। तो उसके लिए एक भीम स्टेडियम है और उसके पास एक हवा सिंह अकेडमी है, तो वहां पे भी आप घूमेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और सर तीसरी चीज, यहाँ पे भिवानी में काफी पुरानी एक योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। मतलब वहां पे नेचर बेस्ड क्योर किया जाता है काफी लोगों का, और वहां पे योग वगैरह भी सिखाया जाता है। तो एक तीसरी ये चीज होगी जो आपको घूमेंगे अच्छा लगेगा। और चौथी चीज सर, यहाँ पे एक हाल फिलहाल में पिछले 5 साल में एक नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी। वहां पे भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसमें आप यंग बच्चों से इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। और वो एक नई यूनिवर्सिटी जो हमारे भिवाड़ी में पहली बार बनी है, तो वो देख के भी आपको अच्छा लगेगा। सर ये चार चीजें मेरे को लगता है जो आप घूमेंगे तो अच्छा लगेगा, और मैं आपको कोई भी आएगा तो उसको यहाँ पे घूमना अच्छा रहेगा। ओके अक्षय। अक्षय, अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई थी और उसके कारण बहुत फ्लड्स आए थे। हरियाणा बहुत ज़्यादा उससे क्षतिग्रस्त रहा था, साथ के साथ में पंजाब हिमाचल भी रहा था। तो मुझे ये बताओ कि हरियाणा ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं, ऐसे कौन सी स्कीम्स लेके आए हैं, पोर्टल्स लेके आए हैं, जो कि इस काम के लिए थोड़े बेहतर रहे हैं, जिससे जितने भी फार्मर्स हैं उनको हेल्प पहुंची है, जितने भी आम आदमी हैं उनको हेल्प पहुंची है। हरियाणा के ऐसे कौन सी स्कीम्स हैं जो कि फ्लड से रिलेटेड या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड रहे हैं? सर आपकी वीडियो बीच में ऑडियो कट रही है, तो पूरी आवाज नहीं आ रही सर। बीच में कुछ लाइनें आती हैं, फिर सुन नहीं रहा सर प्रॉपरली मेरे को। अभी अभी आ रही है पूरी आवाज? हेलो। ये सर आवाज आ रही है, अब थोड़ा वीडियो में भी थोड़ा ब्रेक आ रहा है, आवाज तो आ रही है। वीडियो का कोई बात नहीं, वीडियो का ब्रेक आपकी साइड से भी आ रहा है तो दोनों साइड से रहेगा। वीडियो का नॉट दैट इशू, बट लाइक क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ अपना कि यस क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ अपना कि रीसेंट फ्लड्स के कारण या पहले भी जितनी भी आपदाएं रही हैं, नेचुरल कैलामिटीज रही हैं, उससे रिलेटेड हरियाणा ने कौन सी ऐसी स्कीम्स, या हरियाणा या पूरी नेशन की ऐसी कौन सी स्कीम्स रही हैं जो कि फार्मर्स या नॉर्मल जनमानस के लिए हेल्पफुल रही हैं? ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स, पोर्टल्स या न्यू कोई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, उस तरीके से किस तरीके से हेल्पफुल रही हैं एंड कौन सी स्कीम्स रही हैं, ऐसा कुछ रिकॉल कर पाए आप? जी सर। सर जैसे इसमें मैं दोनों स्कीम इंक्लूड करना चाहूंगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे एक तो IMD
डिपार्टमेंट है वो कई बार प्रेडिक्ट कर देता है कि फ्लड्स आने वाले हैं, उस हिसाब से किसानों को भी हम अलर्ट जारी कर देते हैं जिससे वो अवेयर हो सके। दूसरा सर, अगर फ्लड आ जाता है उसके टाइम हमारी काफी मदद रहती है, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बोर्ड की हेल्प करती है। लेकिन जो मेन होता है किसानों के फसलों का लॉस हो जाता है बाद में, तो उसके लिए हमने जैसे ई गिरदावरी भी स्टार्ट किया, कितना फसलों को नुकसान हुआ है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, उसमें जो नुकसान पहुंचता है किसानों की फसलों को, उससे ताकि नुकसान की कुछ भरपाई की जा सके, एक ऐसी स्कीम एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। उसी तरह फिलहाल भी हम काफी जैसे ड्रोन्स का भी यूज कर रहे हैं ताकि जितना नुकसान पहुंचा है इससे हम जल्दी फसलों को इसका नुकसान के मात्रा का पता लगा पाए और किसानों को उसकी भुगतान किया जा सके, क्योंकि किसान काफी एक वल्नरेबल कम्युनिटी मानी जाती है, तो फसल जिनके लिए काफी जरूरी होती है। तो इसलिए हम ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और ये कुछ स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यूज कर रहे हैं ताकि किसानों की समस्याओं को डिजास्टर से थोड़ा बचाया जा सके। ओके अक्षय, आपको एक पोजीशन में डालता हूँ मैं, केस स्टडी जिसको हम कहते हैं। आप एक बीडीपीओ हो, यमुना नगर के किसी पूरे ब्लॉक के बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। ओके, जो कि आप इस पेपर से एक एक वन ऑफ द पोस्ट है अगर आप लगते हो तो। ठीक है, तो अगर आप बीडीपीओ लगाए जाते हो वहाँ पर, एंड वहाँ पे काफ़ी इसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें फार्मर्स की ज़मीन है वो ख़राब हो गई है, या इवैक्यूएट करने पड़ रहे हैं कुछ लोग क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया, भर गया है, पानी भरन हो गया है, उसके अंदर आप मेरे को कुछ चंद ऐसे स्टेप्स बताओ जो आपके इमीडिएट गो टू रिएक्शन होगा, जो कि आपको एज अ बीडीपीओ अपनी सर्विस में यूज़ करने पड़ेंगे, बीडीपीओ भी या एज अ सिविल सर्वेंट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। आप इस पे सर जैसे इसमें सबसे पहले जो बीडीपीओ का होता है, ग्राम सचिव और सरपंच उसके दाएं हाथ और बाएं हाथ तरह होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनसे कोऑर्डिनेट करूंगा कि आपने गांव में कितना डैमेज हुआ, क्योंकि वो लोकल है तो उन्हें पूरा नॉलेज होगा कितने किसान कितने खेत प्रभावित है, तो वो उनसे एक डाटा लगभग अप्रोक्सीमेट डाटा मिल रहा है कितना नुकसान हुआ है। उसी बेसिस पे फिर हम एक टेम्परेरी शेल्टर भी, जो क्योंकि काफी लोगों को इवेकुएट करवाना पड़ रहा है, तो हम अपने ब्लॉक में एक ऐसी विलेज या ऐसी ऑफिस हो, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो जहाँ पे ये थोड़ा सा कम प्रभावित हो, वहां पे उस लोगों को इकट्ठा किया जा सके। इस तरह से हम एक इवैक्यूएशन सेंटर बनाएंगे। और सर तीसरा, हम तहसीलदार, क्योंकि इसको देखते हैं मेन कि कितना नुकसान हुआ है, तो तहसीलदार के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करके हमारी कोशिश रहेगी कि इस नुकसान जितना हुआ है इसके जल्दी से जल्दी भुगतान किया जा सके किसानों को। तो इसके लिए हम तहसीलदार से कोऑर्डिनेट करेंगे और जितना नुकसान है उसको ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और स्टेट ऑफिस में उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और इसी बेसिस पे कितना नुकसान हुआ है, कितना इवैक्यूएशन की जरूरत है, या किसी भारी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की जरूरत है, तो इस बेसिस पे भी हम एनालाइज करके ऊपर अपने अथॉरिटीज को, हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें इन इन चीजों की जरूरत है, जैसे कि मेडिसिन की जरूरत है या और टेम्परेरी शेल्टर की या कोई फोर्स की जरूरत है। तो ये हमारे स्टेप्स रहेंगे। ओके अक्षय, आप एज अ रूरल बैकग्राउंड से अपने आप को बिलोंग करना चाहेंगे या अर्बन बैकग्राउंड से बिलोंग करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं एक मिक्स रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5वीं 6वीं तक मैं रूरल बैकग्राउंड से रहा हूँ, लेकिन बाद में शहर में रहा हूँ, तो हाल फिलहाल में मैं सर शहरी बैकग्राउंड से ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं शुरुआती मैंने अपने 10 साल तो गांव में बिताए, लेकिन बाद में अगले 15 साल मैंने शहर में बिताए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक शहरी हरियाणा हरियाणा वासी के तौर के ऊपर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम से, इश्यूज से ग्रस्त होना पड़ता है डे टू डे रूटीन में भी या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के अंदर भी, एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या चेंजेस चाहते हो उसके अंदर? जी सर, सर एज ए शहरी वासी होने के नाते मेरे को एक जो मेन दिक्कत जो नजर आती है वो एक तो सर जो ट्रैफिक जो होता है वो इरेगुलेटेड सर, रोड पे काफी मैंने देखा है अतिक्रमण हो रखा, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट काफी जाम से लगने लगते हैं, जो नॉर्मल शहर में लगने नहीं चाहिए, लेकिन जो आसपास अतिक्रमण होता है उसकी वजह से काफी तकलीफ होती है, जिससे बाजार में काफी दिक्कतें होती है। तो एक तो सर ये समस्या है, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि हम एक ऐसा प्लेस डेजिग्नेट करते हैं जहाँ पे सारे जो ओकर्स हैं, क्योंकि ये भी इनको भी अपनी चीजें बेचनी है, इनको एक ऐसा प्लेस दिया जाए जहाँ पे सारा एक बाजार अलग से बना सके और रोडों को खाली किया जा सके। इससे शहर का सर ब्यूटिफिकेशन भी रहता है, लोग घूमने आते, क्योंकि छोटी काशी काफी मंदिर है घूमने आते, तो उनका भी अच्छा लगेगा, साफ सफाई रहेगी, और जो काफी चौड़े रोड होंगे तो ज्यादा सबको अच्छा लगेगा, और ऐसा मार्केट होगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। और दूसरी समस्या सर, कई बार बारिश के सीजन में एक तो ये होता है कि पानी भर जाता है,
तो इसके लिए काफी स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो होते हैं उनको पहले लगभग सफाई नहीं की जाती, तो ऐसे इनको मेंटेन किया जाए, उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए, तो जो बारिश के मौसम में दिक्कत आती है क्योंकि उसमें काफी डेंगू वगैरह और मच्छर भी पनप जाते हैं, तो इसका भी एक ये दूसरी दिक्कत महसूस हुई है सर। और सर तीसरी मेरे को लगता है कि जो शहरों में होता है कि आजकल वो रोड और सर पानी की दिक्कत भी काफी आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है गांव से शहरों में लोग आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं आता, तो जो पानी की दिक्कत आती है इसके लिए भी सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काफी स्कोप है मेरे को लगता है शहरों में, क्योंकि काफी कम अमाउंट होता है। और उसी तरह सर जैसे वेट लैंड जो भी है तालाब है वो है उनको भी मेंटेन किया जाए तो हम पानी की दिक्कत से भी बच सकते हैं सर शहरों में। ये तीन दिक्कतें मेरे को लगता है। ओके, आपने तीन जो इश्यूज बताए हैं, आपको क्या लगता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसको डील करते होंगे? आपको जैसे आप नॉर्मल एक सिटीजन की तरह बताएं, और एक ऐसे बताएं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहा है अब, तो उसे पता हो कि कौन सा अफसर के पास मेरे को जाना है इस इशू को लेके। अगर ब्लॉक ड्रेनेज की बात है तो उसके लिए हम कहाँ जाना चाहिए, हमें कौन से सर डिपार्टमेंट? उसको जहां तक मेरे को पता है इसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता होगा कि ओके, स्टॉर्म एंड वेंडर जोन वाले के रिगार्डिंग, सभी इनक्रोचमेंट्स के रिगार्डिंग किसमें? सर इसको मैं एग्जैक्टली तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डीसी को लगभग शिकायत देते हैं तो वो कार्रवाई करते हैं सर। एग्जैक्टली तो मैं इसका श्योर नहीं हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की तरह देखते हैं शायद पुलिस के साथ मिलके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या वो करते हैं ओके अक्षय, आपका ऑप्शन क्या है? सर। आपने मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1729, द नंबर 1729? यस सर। सर इसे रामानुजम नंबर कहा जाता है सर, एग्जैक्टली तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद इसे दो नंबर के सम के रूप में लिखा जाता है, ऐसे दो कॉम्बिनेशन है शायद 8 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर या क्यूब है सर, एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ये सिर्फ अकेला नंबर है जिसको हम 2 के स्क्वायर या क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 8 या 9 या 10 वगैरह ऐसा कुछ सर, दो नंबर। ओके सर, पूछिए। हेलो अक्षय। हेलो सर। अक्षय, एज यू हैव मेंशन दैट यू हैव डन योर बैचलर्स इन द मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट? जी सर। राइट, ओके। देन दैट वाज डन इन 2016, राइट? एंड आफ्टर दैट व्हाट वर यू डूइंग? यस सर, एक्चुअली आई हैव एनरोल्ड इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स बट आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन, सो आई लेफ्ट मिडवे इन 2018 एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड आई हैव अपियर फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर 5 अटेम्प्ट फ्रॉम 2018 टू टिल 2022 23, ओके। यस सर, एंड ऑल्सो एज इन मिडवे, यस सर, या कंटिन्यू कंटिन्यू। इट्स ऑल्सो इन मिडवे आई हैड अपियर फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफ 2019-21 एंड दिस अटेम्प्ट सर, यस सर, ओके आई वॉज प्रिपेयरिंग एंड करेंटली सर आई एम वर्किंग एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। यू ओके। एज यू हैव ऑल्सो मेंशन दैट यू आर बीइंग सिलेक्टेड एज ए ईपीएफओ ऑफिसर यस सर, इन टू दैट द पेपर दैट गॉट कंडक्टेड इन 2021, राइट? यस सर, ओके। देन यू लेफ्ट दैट जॉब, यस सर, ओके। देन एज यू हैव गिवन योर डैफ, इट इज ऑफ द डैफ ऑफ द आईएफएस यस सर, फॉरेस्ट, एक्चुअली इट वाज द लास्ट अवेलेबल डेफ दैट आई हैड गिवन इंटरव्यू ऑफ ओके फॉरेस्ट सर्विस, यस सर, ओके। एंड नाउ यू आर गिविंग फॉर द एचसीएस यस सर, एंड यू आर वाइंग टू गो इन टू द सिविल सर्विसेज यूपीएससी। नो सर, एक्चुअली सिंस आई हैव जॉइंड हियर आई हैव कंप्लीटेड माय 5 अटेम्प्ट एट दिस ईयर आई हैव स्किप्ड, सो आई एम नॉट अपीयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ ओके, दिस, यू माइट अपीयर इन द फ्यूचर, यस सर, ओके। सो देर इज अ कॉन्स्टेंट ट्रांजेक्टरी इन योर करियर पाथ, राइट? यू हैव डन इन द ग्रेजुएशन इन द मैथमेटिक्स, देन ईपीएफओ ऑफिसर, देन यू गॉट सिलेक्टेड एज अ बीडीपीओ, देन यू अपीयर फॉर द आईओएफएस, देन नाउ एचसीएस, एंड यू आर वाइंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, राइट? यस सर, यूपीएससी, आईएएस और एनी अदर सर्विसेज, राइट? सो डोंट यू थिंक सो दैट दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन अस दैट यू माइट ऑल्सो लीव दिस जॉब if might you will get selected in the as in the HCS, then you will leave this job, and don't you think so that will be the wastage of resources for our organization as being an HCS or for the Haryana administration, that will be a negative thing. Why would we select you? yes sir.
सर एक्चुअली आई हैड टेकन अकाउंट्स ऑफिसर जॉब इन ईपीएफओ बिकॉज़ आई हैव यूटिलाइज्ड फोर अटेम्प्ट्स एंड आई वाज नॉट एबल टू सिक्योर जॉब सो फॉर गेटिंग जॉब एक्सपीरियंस आई हैड टेकन दैट जॉब बट आफ्टर दैट आई वाज व्हेन आई वाज सिलेक्टेड इन हरियाणा सिविल सर्विसेज एंड आई वाज गिवन पोस्ट ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर बट सर सिंस माय early days also I have always been inclined towards administration so when I get that I will be getting more opportunity of public dealing and contributing to development so I selected this block development and panchayat officer job sir oh, in future also since I am reappearing in this exam I want to get much diversity and much more power and position so that I can better improve the life of other people So if I get the job of HCS executive or deputy superintendent of police, then I will be utilizing my experience of both my accounts officer job as well as block development and panchayat officer job. So that's why I do not think that it will be wastage of resources. I will you try to utilize my these learnings of my both jobs in the my future job as well. Okay, so basically the bottom line is that you want to serve the public, right? Yes. So there are other many ways also to do that. You might get into any kind of NGO, you know, if you really want to work for the public. Why the only the civil services? Yes, sir. Surely there are many ways of serving, but I think that my personality and my interest incline me that I can better contribute towards this in public through public administration and. So far, my experience has also said that I am able to get the job satisfaction as well as I can get more learning opportunities. So I think that, sir, my personality and my characteristic traits inclined me that I can better contribute for administration. Otherwise, sir, NGOs also equally good opportunities. Okay. Okay. Akshay, recently the parliament passed the Women Reservation Bill, right? And as you also belong to one of the mostly Bhiwani is a rural area, right? So don't you think so that in the local self-government there is already 33% reservation given to the women in the local local governance system, right? So don't you think so that it is one of the way that the negative impact of this thing that is empowering the already empowered women, that giving the reservation is not so inclusive to the women, those who belong to the downtrodden section of the society? So what are your views on it? Yes, sir. Actually, the women reservation in panchayats and local development, local bodies have actually started showing positive impact. And that's why I think that it has supported that we should also be supporting a women empowerment reservation at MLA and MP level also, as this can further improve. So actually, I think that women have a more... inclusive and care approach which can complement their present male parliamentarians and state legislators in making policies that are inclusive, holistic and better oriented towards education and as they are more likely to be Akshay, contributing. Yes. Akshay, my question was not that to you that that you want to tell me the benefits of by giving the reservation to the women. My question to you was that it is, don't you think so, the negative impact of is it that the women who are already empowered, that they will only get benefit from this reservation, not the women, those who belong to the downward section of the society, downtrodden section of the society. Yes, sir. Sorry, sir, for misinterpreting. Yeah, that, okay. Yes, sir. Yes, sir, I think that we have in this reservation bill also we have a reserve for scheduled caste and scheduled tribes which are also downtrodden sections but sir actually we can't stop that only some women will take benefit but gradually since society will evolve women from downtrodden sections will also get more representation this is my personal opinion otherwise we are already reserving the seats in women from SC and ST categories also, which are also a vulnerable section. So I think that it is not completely true that only empowered women will get representation through this reservation. Okay. As you have seen, might have seen from your rural areas also that the women whose husband might be or was a sarpanch at that point of time, only those women will contest an election from that reserve, that seat, you know. The same can be replicated at the national level in the parliament that
सर, द वुमेन्स हु बिलोंग टू द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, यू नो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. एनीवेज द ओके, एज यू हैव डन, माय सेकंड क्वेश्चन टू यू, एज यू हैव डन योर बैचलर्स विद द मैथमेटिक्स, सो कैन यू टेल मी द हाईएस्ट प्राइज एट द इंटरनेशनल लेवल व्हिच इज गिवन टू द इन द मैथमेटिक्स फील्ड? Yes, sir. Actually, there are two prizes. One is Abel Prize and other is Field Prize, which are considered the highest prize for mathematics. Okay, so Abel Prize for 2023 have been given to, can you recall the name? Sorry, sir. I'm not able to recall the name. Okay, no issues. My second question to you is, there was a Supreme Court ruling back then in when the women were allowed in the Sabrimala temples of the menstruating age to enter the inner sanctum, right? So Supreme Court have given in his judgment, have clearly mentioned that traditional norms cannot be a guide to constitutional morality. So, what are your views on it? Yes, sir. Sir, actually, my views also support the Supreme Court's opinion that traditional views cannot guide our modernity. Since Constitution is the supreme document, it must guide that. And so, sir, as a society, since we are evolving, so we should be not consider the traditional norms as sacred, and we shall continuously scrutinize them as per our constitutional and modernity, that are they suitable for present day society. So I think that, sir, Supreme Court opinion is very enriching and very good So, in this direction. okay, so don't you think so that it is a breach of fundamental rights which have been given to the society, as in whole of the society, or to the individual's right, as it has been mentioned in the fundamental right to freedom of religion and the other individual rights? Don't you think so that it will be breach of that? Yes, sir. Sir, actually, it is a conflict between fundamental right to preach religion as well as fundamental right to equality that women need. So, sir, actually, there is contradiction. So, actually, sir, Supreme Court's direction is good, but sir, I think that in actually society should evolve and better discuss and deliberate actually so that these values of equality and moving towards modernism and constitutionalism, sir, actually come from society actually. So actually, so this can be a good way if the society deliberates and further discuss and takes this as its inherent values. This could be better. Okay. Akshay, as you have mentioned that yoga is one of your hobbies, right? Okay. Can you please tell us that yoga and spirituality are two same things? Sir, actually, yoga and spirituality have some similarities but some differences as well. Yoga is a medium to better connect to God and spirit. This is one way. But sir, actually, spirituality can be achieved in many other ways also. For example, by doing karma yoga, matlab, following the good practices or following religious practices or following good books as well. So sir, to spirituality there are many paths. But I think, sir, that yoga and spirituality are related also. Okay. So India should, as yoga is on the international level, so India should commoditize it. Sorry, sir, I was not able to hear. Okay. India should commoditize yoga. Do you think so? That it should be a good decision to commoditize this yoga as in. Repeat the question. Akshay, as yoga have. All around the world, India celebrate the yoga with great pomp and show every year, right? So India should, do you think so that it is one of the, that it might be beneficial for India to commoditize yoga around the world and in India also? Yes, sir. Sir, actually, it can be one of a good way to better exchange, better forex earner as well, and also you can provide employment. Sir, actually, but we must utilize that it is a global property or common inheritance. So we should actually restrict also it. So we should not be focusing towards complete commodification, but we can surely make it universal by training the teachers in yoga as well as by sharing our historic yoga books also, sir. But I think that there need to be a balance of making it fully commercialized. Okay. Yes, sir. Okay.
लेट मी आस्क यू अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रादर. सो वुड यू लाइक टू डिफरेंशिएट योर लाइफ और इंटीग्रेट योर लाइफ? सर एक्चुअली आई वुड लाइक टू इंटीग्रेट माय लाइफ. एंड हाउ सो? यस सर. सर एक्चुअली इन इंटीग्रेशन वी लर्न फ्रॉम द वी स्मॉल पार्ट्स आर कलेक्टेड टुगेदर सो सो दैट ए होल न्यू बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड. सो सर फ्रॉम माय लर्निंग्स और माय स्मॉल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माय चाइल्डहुड टिल माय प्रेजेंट एज सो दे आर मैनी एक्सपीरियंसेस विच इफ आई इंटीग्रेट इन टू माई सेल्फ दैन दे कैन create a better personality, so right? That's why I think that I will integrate my life. Okay. Recently, G20, India got the presidency of G20, and we signed a couple of documents. We gave particular declarations as well. Can you give me 3-4 points about what was special about this time's G20 meet? Yes, sir. Sir, one such good point would be, sir, that we were able to sign a joint declaration, which was not possible in the earlier G20 meeting. Since Russia-Ukraine war, there are were concerned that the Western countries might not able to sign this joint declaration. So this was one achievement. Sir, another achievement was Global Biofuel Alliance that has been started by India. And then other good initiative was, sir, India, Middle East, Europe economic corridor that will be built that will help in integration over Middle East, Europe with India. This was another good initiative, sir, I think. So these are two good points I am able to realize. 3 points. Can you recall about something about African Union being a part of G20? Yes, sir. Actually, G20 will be formally be made into a G21 since the 55 member African Union has also joined its member, and this will increase the South participation membership and better represent the South or developing countries in this G20 group also. Can you tell me difference between Global South and Global North? Yes, sir. So actually, Global North and Global South are terms to define between the developed countries and developing countries. Since the countries above the equator are actually considered better developed. For example, USA or European country and Russian country, they are in better in some advance in economy and development status. Whereas the countries below the equator that are considered south are actually not yet developed. So that's why they are termed in global north, which are more developed country, and global south, which are developing and later less developed countries. Okay, you told us about you being selected as BDPO in the recent exam itself, 2022 one, Yes, sir. or before that, Yes, sir. In 22 exam. 22. So you must have gotten first posting. Yes, sir. Yes, Where are you posted right now? sir. Yes, sir. I am posted in Sampla, Sampla Block of Growth. Rohtak, yes. Okay, so I understand that it is a very less time to learn some new things. But ha what have you learned about the administration? What are the good things about it? Good, bad, and like neutral things about the administration, and whether you like it or not. We do have red tapism lying here and there everywhere. In fact, and for that matter, Panchayat Development and Panchayat Department do have that in lot of departments as well. So can you tell me about the good, bad, and the neutral part of the administration? Yes, sir. Sir, actually, good part is that we are directly concerned with the development and local bodies. So this is very much scope for contributing to development since sarpanches, panchayats, we are the backbone of our governance system. So we can be an accelerator and catalyst in their development by approving their project, by guiding them how they can better execute project and implementing schemes like Swachhta schemes, cleanliness schemes, or two or three pond systems in which they can utilize the rainwater harvesting for irrigation, for drinking water also. So we can, this is, there is very much scope, and I am very thrilled to work in this sense. But then some negative element that there are some
पीपल आर सर लेस अवेयर अबाउट द स्कीम्स. एक्चुअली दे आर सो मच स्कीम्स एंड पीपल डू नॉट नो वेयर दे कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. सर दिस इज आई थिंक इज अ लिमिटेशन इन विच वी शैल बी वर्किंग इन इंटीग्रेटिंग द स्कीम कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम एज वेल एज मोर अवेयरनेस ऑफ पीपल बाई रेगुलरली ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स एंड यूटिलाइज मेकिंग अवेयर सरपंचज एंड ग्राम सचिव अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम. न्यूट्रल एलिमेंट सर आई थिंक दैट स्टाफ इज नॉट वेरी मच मोटिवेटेड एट सब सर्टेन टाइम्स ड्यू टू मल्टीपल वर्क प्रेशर और अदर थिंग्स. सो टू कीप दैम मोटिवेटेड आई थिंक समटाइम्स दे आर मोटिवेटेड एज वेल बट समटाइम्स टू कीप दैम मोटिवेटेड कैन बी प्रूव्ड बी अ चैलेंज ऑल्सो सर. सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट द मोटिव बिहाइंड द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इम्प्लीमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट द स्कीम्स दैट आर डिजाइंड फॉर द पीपल. And the neutral part of it, that you don't have any there are some parts जिसके बारे में हमारे को ये नहीं होता कि अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है पर ये चल रहा है तो चलने दो इसको चलता है attitude that we talk about. Yes sir, one such neutral parts is they are regularly reports are asked in which some reports are multiply asked when we go but since there is not very much computerization of that much extent so sometimes this seems redundant that we are regularly sending reports again and again so this sometimes consumes our energy so I think that this is a neutral element in which it is good that we are sending reports and we are being accountable but sometimes sir this can be overpowering than the field job also sir. Okay, when you talk about field job like and the office work that we sit in our offices and we go out for the field work, what would you prefer, like what percentage would you prefer, like 70-30 or 50 50-50 or 60-40, what percentage would you prefer for the office job, the desk thing that you have to sign the documents and check the documents and check whether the panchayats are doing well, whether the election is pending or not, to make the voters list and everything, to check the voter list, go through that. All these things are like your normal portfolio. And the other field part is to go out there to inspect a particular thing, as we say, mauka dekhna. कहीं पे जाके कि क्या है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी गलियों में पानी जा रहा है, कहीं नहीं है, किसी में नाले का खुदाई के काम है, कहीं पे पंचायत वर्क यहाँ पे भी नीडेड है. तो इसमें आप किस चीज को ज्यादा इंजॉय करोगे बेटर, एंड 50-50 नहीं बोलना इसका आंसर, थोड़ा वो थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो जाएगा, यू हैव टू टेक अ साइड. ओके सर, एक्चुअली मैं फिर 60-40 साइड जाना चाहूंगा, 40 साइड में फील्ड विजिट पे जाना चाहूंगा और 60 साइड ऑफिस वर्क में. सर इसमें 60 भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर हमारे जैसे रोहतक में भी कई बार मीटिंग होती है जिसमें हम रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अदर डिपार्टमेंट के साथ मीट करते हैं. तो जो इसमें 60 है इसमें भी मैं चाहूंगा कि 40% मेरा जो सांपला में ऑफिस है या जो ब्लॉक ऑफिस है वहां पे, और जो 20% है उसके लिए मैं टाइम रिजर्व करना चाहूंगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो मीटिंग होती है, जो ट्रेनिंग होती है हमारी, उससे भी मैं सीखूंगा. इसलिए मैंने 60% ऑफिस को रखा है और 40% फील्ड में. सर फील्ड में Okay. Since you are in your training phase right now, I understand that. 2 साल तक ये भी चलेगा. 2 साल के बाद you get that कि वो जो 20% वाला part है, they will be just meetings in your district headquarters. That's it. Nothing else. So would you like to minimize that 20% and add it to the field work? Because it is very much needed in the like in all the posts except SDM and SDM. Not that SDM doesn't need to go to fields, but yes, talking about the Nayab Tehsildar, Tehsildar, BDPOs, say traffic manager even. All these posts require field work more rather than sitting in the offices, obviously, and hearing to the that part. So would you like to add that 20% to that later in the phases when you are well trained? जी सर बिल्कुल. मैं ये जो 20% बाद में फील्ड जॉब में जाना चाहूंगा क्योंकि उससे सर रेगुलर एक ट्रस्ट बन जाता है. अगर मैं रेगुलर फील्ड में जाता हूँ तो जो फंक्शनरी है उनको भी लगता है कि अकाउंटेबल है, हमें मॉनिटरिंग हो रही है. उसके साथ साथ जो सरपंचीज और जो अदर मेंबर्स उनको भी लगता है कि हमारे काम की मॉनिटरिंग हो रही है और जो ऑफिशियल्स हैं वो रेगुलरली इसमें एंगेज हैं. तो ताकि इसमें क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, लोगों का ट्रस्ट भी इंप्रूव होगा. तो जो बाद का 20% है मैं ये फील्ड में ज्यादा जोड़ना चाहूंगा क्योंकि जो 60% तक फील्ड हो जाए और 40% ऑफिस का काम. Okay, are you aware of Swamitva scheme? जी सर. And can you tell me something about Swamitva and how the local administrators like you are helping in it?
जी सर। सर एक्चुअली स्वामित्व स्कीम है जिसमें हमें ड्रोन सर्वे किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और हम जो गांव की लाल डोरे के अंदर की जो प्रॉपर्टी है उसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, तो उसमें जो उस रिकॉर्ड को देने के लिए ताकि उसमें हम प्रॉपर्टी आईडी दिए जा रही है ताकि लोगों को, ताकि जो उनकी ओनरशिप है उसको हम अच्छी तरह से पता लगा पाए कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, जिसमें पंचायत है और कुछ लोगों की ओनरशिप। इससे लोगों को सर रजिस्ट्री और करवाने में मदद होगी, लोगों की प्रॉपर्टी को करने में मदद होगी। तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट सर एक्चुअली जो सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स मिले थे उसके बाद हम ग्राम सचिव के माध्यम से उनको वो सर्वे किया गया था कि इस प्रॉपर्टी आईडी का मालिक कौन है। तो इससे सर आगे हम जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते थे वो कम हो जाएंगे, और जो प्रॉपर्टी आईडी है वो इस लोगों को मिलेंगे तो उनका ओनरशिप अच्छी तरह मिल जाएगा। इसमें हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये सर सर्वे किया गया है, उसके बाद हम प्रॉपर्टी आईडी का ये जो डाटा फीड कर रहे हैं, जिससे हम ओनर मैपिंग भी कर रहे हैं और प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आईडी किस ओनर की है सर, तो ये हमारे डिपार्टमेंट इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सर। एग्रीकल्चर सेंसेस भी आपके अंडर है, आपको उसके बारे में है जानकारी? एग्रीकल्चर सेंसेस, इट हैपेंस एवरी 5 ईयर्स, सो आर यू टेकिंग अ पार्ट इन इट? सर मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैंने तो अभी एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में सुना नहीं सर ओके कि टोटली कौन कौन सा डिपार्टमेंट। फाइन। ओके अक्षय, एज यू हैव मेंशन दैट अदर हॉबी दैट यू आर फॉलो रेगुलरली फॉलो इज इंडियन क्रिकेट, राइट? ओके, कैन यू प्लीज टेल अस द डायमेंशंस ऑफ द क्रिकेट फील्ड? सर एक्चुअली जो पिच होती है वो तो 22 यार्ड की होती है, लेकिन सर डायमेंशंस ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड की पूरी फिक्स नहीं होती है सर। कई बार जैसे 50 मीटर की बाउंड्री तक हो सकती है, लेकिन 70-72 मीटर तक की बाउंड्री भी हो सकती है सर। सर जो एक डायमेंशन होती है क्रिकेट फील्ड की वो फिक्स नहीं गई एंड व्हाट अबाउट द पिच? सर। पिच को 22 गज का दोनों विकेट के बीच में, ये जो 22 गज की पिच होती है ये फिक्स है सर। एंड व्हाट अबाउट द विड्थ? यस सर, विड्थ सर एग्जैक्टली मैं नंबर तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर 5 मीटर के करीब होती है, 3 से 5 मीटर के करीब सर, एग्जैक्टली श्योर। ओके ओके। अक्षय, एज यू रेगुलरली फॉर द इंडियन क्रिकेट, राइट? यू फॉलो द क्रिकेट वेरी वेल। सो व्हाट आर द प्राइम रीजन दैट इंडिया डू वेल इन द बायलैटरल सीरीज ऑन द होम ग्राउंड, बट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट मच वेल ऑन द एनी ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट्स विच टेक प्लेस आउटसाइड इंडिया? व्हाई इज इट सो? यस सर, एक्चुअली दे आर आई थिंक दैट दे आर टू मेजर रीजंस फॉर दैट। वन इज सर दैट रेगुलरली ओवर इंडियन टीम एक्चुअली बाय प्लेइंग बायलेटरल सीरीज वी गेट एक्लिमेटाइज्ड एंड बेट वी ट्रेन देम, वी गेट प्रॉपर टाइम बिफोर गोइंग देयर, वी प्रिपेयर इन सच स्पीड। बट बिफोर मल्टीलेटरल टूर्नामेंट एक्चुअली वी डू नॉट एग्जैक्टली एक्लिमेटाइज, वी डू नॉट गेट टाइम, सो सर्टेन टाइम्स इट हैज विटनेस दैट वी गेट वेरी लिटिल टाइम। एंड सर अदर रीजन इज ओवर टीम कॉम्बिनेशन एक्चुअली इज नॉट वेरी मच प्री डिसाइडेड बिफोर मल्टीलेटर टूर्नामेंट्स। एक्चुअली वी फ्रीक्वेंटली चेंज द टीम मेंबर्स सो दैट देर इज ए टीम बॉन्डिंग और प्रॉपर टीम सिलेक्शन इज वन अदर रीजन सर। एंड थर्ड रीजन सर आई थिंक दैट इट इज मल्टीलेटर टूर्नामेंट हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव सर, सो वे ऑल टीम्स आर मच और लेस सेम, सो इन सच टूर्नामेंट्स लक ऑल्सो फेवर्स दैट, समटाइम्स इंडिया लूजेज बाय 1 रन और सम फ्यू विकेट्स ऑल्सो। सो सिंस मोस्ट टीम्स आर मच और लेस सेम एंड देर इज नॉट मच डिफरेंस लाइक अर्लियर डेज वेन ऑस्ट्रेलिया वॉज डोमिनेटिंग द क्रिकेट, सो आई थिंक सर दिस इज अदर रीजन दैट सिंस ऑल टीम्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, सो दिस इज अदर रीजन दैट इंडिया इज नॉट एबल टू परफॉर्म। ओके अक्षय, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट एज द देर वाज अ ग्रीन रेवोल्यूशन बैक देन इन 1960s, राइट? एंड इट गॉट मोस्टली सक्सेसफुल इन आर स्टेट एंड द पंजाब नॉर्थ नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ राइट ऑफ इंडिया। सो नाउ इट हैव लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। नाउ देर इज अ पीक मोमेंट एट दिस प्रेजेंट टाइम, यू नो द सॉयल इन हरियाणा इज ऑलरेडी टर्न सो स्टेरल देन। बट अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, वट आर द अदर वेरियस ऑप्शन, अदर वेरियस एरियाज, रिसोर्सेज वी नीड टू डेवलप टू मेक हरियाणा अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट, यू नो इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? यस सर,
सर वन वो सच स्टेप वुड बी टू इम्प्लीमेंट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो वट एवर प्रोड्यूस वी गेट इफ वी आर एबल टू एड वैल्यू टू देम एंड बेटर प्रिजर्व देम एंड गेट बेटर वैल्यू. सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बाय मेकिंग इट इन हरियाणा इट कैन बी वन ऑप्शन. अदर ऑप्शन वुड बी सर द टू डिस्ट्रीब्यूट द इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द स्टेट. सिंस एट प्रेजेंट टाइम्स दे आर मोस्टली लोकेटेड इन फरीदाबाद गुड़गांव साइड. सो इफ वी आर एबल टू बेटर डिस्ट्रीब्यूट सच इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग दैम इन ऑल अराउंड हरियाणा, सो दिस कुड बी अनदर ऑप्शन. अनदर ऑप्शन कुड बी सर दैट बाय प्रोमोटिंग टूरिज्म ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल इन कुरुक्षेत्र वी आर प्रोमोटिंग कृष्णा सर्किट. सो ऑल्सो वी कैन सिंस हरियाणा इज परफॉर्मिंग गुड सो वी कैन प्रोमोट स्पोर्ट्स टूरिज्म ऑल्सो. ऑल्सो सिंस वी हैव राखी गढ़ी पना वाली साइट्स ऑल्सो वी कैन प्रमोट हेरिटेज टूरिज्म ऑल्सो. सो आई थिंक दैट सर टूरिज्म कैन ऑल्सो बी ए गुड वेरी गुड ऑप्शन फॉर प्रोमोटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन हरियाणा. ओके एंड व्हाट आर द मेजर मिनरल रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन हरियाणा एंड इन व्हिच पार्ट? सर एक्चुअली इट सम मिनरल्स आर फाउंड इन मेंदरगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंस इट इज अरावली रीजन. सो दे आर सर एक्चुअली इन मिनरल्स लाइक सीमेंट एक्सेट्रा मैन्युफैक्चरिंग दैट आर इन यूज इन कंस्ट्रक्शन. सच मिनरल्स आर फाउंड एक्चुअली इन अरावली इन मेंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट. सर ओके ओके अक्षय आई एम डन सर. Done. Okay. डन Akshay, so stay online. We will get back to you in 5 minutes and we will give you the feedback. Okay. Right. Okay. Akshay? Yes, sir. Okay. So how was your inter? We are audible to na? Video. Yes, sir. Okay. Video. Okay. Okay, Akshay. So how was your interview according to you? सर मेरे हिसाब से वैसे तो ठीक था, लेकिन तो जैसे ओबी वाले क्वेश्चन जैसे क्रिकेट वाले स्टार्ट में हुए या बाद में हुए, तो क्रिकेट वालों पे तो थोड़ा ओबी पे थोड़ा काम करने की जरूरत महसूस हुई सर. और सर कम्युनिकेशन स्किल में तो मेरे को एक दो और मौक दिया, मैंने लग रहा है कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सका, जैसे पेस हो या पोज लेना हो. या सर मैं तो फिलहाल तो ये भी नहीं समझ पा रहा मैं इंग्लिश में दूं या हिंदी में कौन सा मेरा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं ऐसा लगता है दोनों ठीक ठाक ही है, तो इंग्लिश में दे दूं अपना इंटरव्यू या हिंदी में मूव वैसे ही करो जैसे मैं कर रहा था ना, जैसे आई वाज आस्किंग कुछ क्वेश्चंस अंग्रेजी में तो तुमने अंग्रेजी में ही आंसर दिया उसका, ठीक है. मैं हिंदी में पूछ रहा था तुम हिंदी में ही दे रहे थे, नॉर्मल भाषा यूज कर रहे थे और नॉर्मल वहाँ की लोकल भाषा यूज कर रहे थे, वो बहुत पॉजिटिव पार्ट है अपने आप में. तो ट्राई डूइंग दैट, गो विद स्टार्टिंग में इंग्लिश में ही जाओ तुम, ठीक है, देन स्विच अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहाँ पे पैनल में बैठे होते हैं, यू हैव गिवन दैट पहले भी. पहले कौन सा पैनल था कुछ याद है, कौन से वाले? पवन कुमार सर वाला बोर्ड था सर पिछली बार. ठीक है ठीक है, यू हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग. पवन कुमार वाला पैनल हो गया तो हो गया, बस बाकी तो सारे सिंपल हैं, ठीक है. वो है, लेकिन मेरे को दो बार, मैंने दो बार इंटरव्यू दिया, दोनों बार मार्क्स मेरे स्टैग्नेट कर रहे हैं, 38.5 नंबर दिए सर दोनों बार मैंने. दोनों 38 दिए हैं? अरे बहुत कम दिए हैं यार, ये तो काफी ही ज्यादा, ये तो बस अटेंडेंस होती है 38 मार्क्स. तो अक्षय एक्चुअली क्या है, देखो नॉलेज पे कोई इशू है नहीं है, और नॉलेज दे हैव ऑलरेडी चेक योर नॉलेज, के वो मेंस मेंस में चेक कर लिया उन्होंने, ठीक है ना. इंटरव्यू इज मोर अबाउट द कम्युनिकेशन. तो जैसा सर ने आपको बोला जस्ट टू बी कूल एंड काम, ठीक है ना, तो आप सिर्फ एक फ्लो में बोलो. इट्स नॉट अबाउट द इंग्लिश, के इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में, जैसे आपको कंफर्टेबल हो. दूसरी बात यह है कि जो मुझे लगी कि आपकी बॉडी पॉस्चर में ना, जब आप सोचते हो ना तो आपकी आई मूवमेंट बहुत ज्यादा है, आप ऊपर देखने लग जाते हो इन अपवर्ड डायरेक्शन, आपकी आंखें बहुत रिवॉल्व होते हैं इधर उधर, तो ना उससे एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगता है, ठीक है. और दूसरी मुझे ये चीज लगी कि जैसे वी आर आस्किंग यू क्वेश्चंस, तो आप साथ ही साथ आप कोई पॉज नहीं लेते हो, साथ ही साथ आप एक यू आर इन अ हरी कि उसको आंसर करो. जस्ट टेक अ 30 सेकंड पॉज एंड देन यू नो आंसर द क्वेश्चन, आपको सोचने का टाइम भी मिल जाएगा. और आप बोर्ड को बोल सकते हैं सर आई जस्ट नीड 30 सेकंड टू रिकॉल दिस थिंग, राइट. ठीक है सर. और दूसरा तीसरी चीज ये है कि बीच में जैसे आप मान लो इंग्लिश में बात कर रहे हैं अपना, थोड़े से मुझे वर्ड्स ऐसे लगे कि आप इनफॉर्मली थोड़ा थोड़ा सा इनफॉर्मली हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना. तो या तो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वो पूरा जवाब इंग्लिश में दे दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है. एंड ऑल्सो आप क्लीन शेप में ही जाएंगे ऑब्वियसली, राइट, एज यू हैव ऑलरेडी गिवन द इंटरव्यू, राइट. सो बस यही, बाकी तो नॉलेज पे कोई इशू है ही नहीं हमें, ठीक है ना. नॉलेज तो बाकी सर बताएंगे. सर पॉजिटिव्स मैंने ये नोट किए थे कि गुड, पहले एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग गुड आंसर हैं सारे के सारे, वेल वर्स्ड आंसर हैं. स्कीम्स के बारे में पता है, सब कुछ है. ई क्षति पूर्ति पोर्टल के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, वही मैं पूछना चाह रहा था जब वो आपने की ई गिरदावरी वाला पार्ट बोला, क्योंकि अभी लॉन्च हुई है, 15 दिन पहले लॉन्च हुई है, दे माई टास्क इट,
है, दे माइट नॉट आस्क इट. मैं बता चुका हूँ कि इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मायने हैं इंटरव्यू का अपने आप में, बट ठीक है, जैसे भी है, जो भी पूछना चाह रहे हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस एंड एवरीथिंग. तो ट्रस्ट करके जाएंगे पूरे प्रोसेस को, जैसे भी होगा. भिवानी पे अच्छी नॉलेज है आपकी, जहाँ से आ रहे हो आप, वो अच्छी नॉलेज है. दे माइट और माइट नॉट आस्क, क्योंकि आमतौर पर मास्क कर देते हैं पूरा एरिया, या कहाँ से आ रहे हो या नहीं है, तो फिर भी लिबर्टी रहती है. पिछली बार फिर भी कुछ लोगों से 20-30% से फिर भी पूछा पूछा गया, गया तुम था। कहाँ से हो और क्या सवाल थे तुम्हारे. तो यू माइट गेट आंसर क्वेश्चन ऑन ऑन दैट. यू आर वेल प्रिपेयर्ड ऑन दैट. तीन चार हैं, उसको थोड़ा बढ़िया तरीके से कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे. जीके की अपडेट थोड़ी सी नए वाले करंट की और बेटर तरीके से हो सकती है. जैसे G20 वाला क्वेश्चन था, तीन चार पॉइंट्स क्रिस्प से याद करके जाओ, बस वही के वही सीधे तरीके से बोलो, क्वेश्चन दो, आंसर दो, निकल जाओ. ज़्यादा अंदर नहीं घुसना उसके अंदर, क्योंकि वो बात से बात निकालेंगे. एंड एक हाँ, तीन चार बात ये है कि क्योंकि कम लोग हैं, ठीक है, तुमने अभी तक शेड्यूल भी देख लिया होगा, कब है तुम्हारा, मतलब 10 को है सर, 10 को 12 बजे वाले से। 10 को है ना, तो अब सारा दिन है इनके पास, ठीक है, और पैनल्स भी ज़्यादा हैं, लोग कम होंगे, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक पैनल के पास 2 या 3 बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है. तो 3 बच्चों में उन्होंने करना है, तो वो ग्रिल करेंगे, वो अच्छा खासा टाइम लेंगे, ठीक है. एंड इससे ये होता है कि तुम इंटरव्यू फटीग कहते हैं जिसको, कि लंबा जैसे इंटरव्यू होता है ना, तो जो तुम लेटर हाफ वाले आंसर दे रहे होते हो, वो बहुत थके थके आंसर लगते हैं, या बहुत कैजुअल आंसर लगते हैं अपने आप के अंदर. तुमने पहला वाला पार्ट तभी सर ने जो भी बोला, कि बाद में तुम ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई कुछ वर्ड ऐसे बोल रहे थे कि जैसे भाईचारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वैसे वाली बात है, क्योंकि वो इंटरव्यू फटीग है एंड दे माइट यूज इट, ठीक है. वेरी गुड, मतलब चांस है कि तुम 10-15 मिनट में ही फ्री हो सकते हो, 20 मिनट में फ्री हो सकते हो, कि लंच से पहले इन्होंने जाना है, खाना खुना खा के आ जाना है, वैसे वाला काम भी कर सकते हैं. और देर माइट बी वेरी वेल चांस कि तुम 40-45 मिनट ग्रिल हो अच्छे खासे, ठीक है. सो बी रेडी फॉर द सेकंड पार्ट. पहले पार्ट के लिए सारे रेडी होते हैं, आए अंदर चले गए बाहर आ गए, पता ही नहीं चला इंटरव्यू कब हो गया, वो सबको पता है, ठीक है. दूसरे वाले के रेडी नहीं है कि यार 40 मिनट ऐसी तैसी करा दी, फिर भी 38 नंबर दिए क्यों दिए, ठीक है. तो यू माइट नॉट गेट दैट, ठीक, क्वेश्चन फिर ठीक है, यही लिखा था. नेगेटिव्स भी नहीं बोलूंगा, द थिंग्स यू कैन इम्प्रूव है शॉर्ट आंसर्स कहीं कहीं पे, जैसे 1 2 3 4 तुम दे रहे हो, तो 1 2 3 4 जस्ट, यस सर, एम आई ऑडिबल, यस सर। हाँ ठीक है. तो शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करो, बिल्कुल 1 2 3 4 करके आराम से दो, और उसके बाद निकल जाओ उन सवालों से. मतलब तुम्हारी टेंडेंसी है कि सवालों में फंसते जाते हो अंदर ही, अपने ही बताने 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 में, कि मैं ये भी बताऊंगा ये भी बताऊंगा, उस चक्कर में तुम जा चुके अंदर, और 4 क्वेश्चन उन्होंने, 7 वालों ने फ्रेम कर लिए कि अभी ये इससे ये पूछेंगे, ठीक है. एंड यू माइट और माइट नॉट नो दोज आंसर्स, नहीं पता हो सकते हैं सारे के सारे आंसर, ठीक है. करंट अफेयर्स को ब्रशअप करना है हल्का सा, जो भी है रिसेंट हो रहा है, ठीक है. मैच वगैरह है, अगर क्रिकेट वगैरह वहाँ पे मैंशन करते हो, तो उस दिन का मैच देख के चल जाना, एक दिन पहले इंडिया का मैच होगा, या मेरे ख्याल से 10 को ही मैच है इंडिया जी का, सर, संडे न्यूजीलैंड, को तो है। हाँ इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, तो जी 10 को सर, ही है मेरे ख्याल से, और धर्मशाला में, ठीक है. एंड आई कॉन्टैक्ट सर ने मैंशन कर दिया है. एंड एक जब भी कोई प्रो कॉन का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि ये करेंगे ये करेंगे, उसमें एक बायोफर्केशन देके 1 2 3 उधर बता दो, एंड जिस साइड पे तुम हो उसके थोड़े ज्यादा पॉइंट बता दो, और जिस साइड कम हो तो उसके कम बता दो, ठीक है. जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल वाला क्वेश्चन था तुमसे पूछा गया, तो उसके उसको थोड़ा बैलेंस आंसर देना है तुमने, एंड पॉजिटिव उसी साइड देना है, क्योंकि सरकार ने तो पास कर दिया है अभी, गवर्नमेंट इज तुम ऑलवेज राइट। यस जी तुमने सरकार ने पास कर दिया, वो तुम्हारे को, तुम्हारा कुछ नहीं है, मतलब उसके अंदर से नहीं है, वो पास हो गया अब, ठीक है. तुम्हारे पास आएंगे, तुमने जब भी वोट कॉल होएगी, बूथ बनेंगे तुम्हारे पास में, तो तुम्हारे को अगर मान ले तुम्हारे जो क्षेत्र है वहाँ पे बन गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पे विमेन वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, तो यू आर डन, ठीक है. हमारे को इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना, हमें जाके वोट कर देना, वो जाके एट बेस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटर में तुम्हारे को ऑर्गेनाइज कर देना है, तो हमारे को इतना ही पता है. तो पॉजिटिव ही रहना है, कुछ जो सरकार वाले सवाल हैं मोटे मोटे वाले, एंड थोड़े से हल्के से नेगेटिव भी नहीं बताने, दीज आर न्यूट्रल वैसे वाला, कि ऐसे ऐसी चीजें आई थी जो कि कही गई थी, काफी लोगों ने कही थी, हमने नहीं कहा कुछ भी, हमें नहीं पता कुछ भी, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है. और वैसे भी तुम सरकार में, पॉलिटिकल ओपिनियन वैसे भी नहीं है हमारी कुछ, ठीक है. एज सिंपल एज दैट, आई विल बी एज क्रूड एज दैट, कि मैं जी सही सही चीजें बताऊंगा, वही वाली बात है, क्योंकि सेफ खेलना यार, हमारे को क्या है, 38 आ गए, फिर 38 आ जाएंगे, कोई नहीं चाहिए अपने को, ठीक है. अपने को 40-45 चाहिए, अब तो कम से कम तो चाहिए, ठीक है. इसके बाद हाँ, हॉबीज पे तो सवाल ही नहीं है तुम्हारे, सही अच्छे, मतलब आंसर कुछ भी चल रहे हैं, कुछ नहीं है ही नहीं, ठीक है. योगा वाला भी पता नहीं कैसे दिया था, मैं क्या ही दे रहा, लेकिन योगा वाला भी हिला हुआ था सवाल, ठीक है. बाकी जब ना तुम्हारे कंफर्टेबल कर देना सवालों में, तो ना वो थोड़ा सा ट्रैप होता है एक तरीके से, हम्म,
अब अच्छे से सवाल पूछ लेना, तुमसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल ऐसे हैं, एकदम से ऐसा पूछ लेंगे कि ये तो खत्म हो गया काम वाला। ठीक है, बाकी तुम बताओ कि लास्ट इंटरव्यू में तुम्हारे को क्या लगा था कि कितने आ जाने चाहिए और क्या दिक्कत रह गई थी वहां पे, अगर तुम्हारे को फील हुए तो। कई बार क्योंकि हम अपने पहले लेते हैं कि यार 38 आए तो हम नहीं कुछ गलती कर रखी होगी, तो ऐसा क्या था? नहीं सर, एक्चुअली जो मेरा पहला इंटरव्यू था उसमें भी 38 गए, तो उसमें तो मेरे स्टार्टिंग से ही खराब हो जाने फैक्चुअल के उसने पूछे 7-8, मैंने ठीक दो है, दिन सही दिए, फिर दो तीन मैंने दिए नहीं, फिर उनको लगा मेरे को आंसर नहीं, तो मैंने गलत आंसर दे दिए दो तीन, अच्छा वो तो ठीक है, फिर सही है। उससे थोड़ा वो हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे मेरे को लगता है फिर मैथ है क्वेश्चन पूछे वो मेरे ठीक है, आखिर में उन्होंने पूछा थी इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने डेफिनेशन बता दी, बोला अपनी लाइफ से कोई एग्जाम्पल बताओ, तो उस टाइम में एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल रिकॉल नहीं हुआ, मैंने टाइम मांगा कुछ लेकिन आया नहीं कुछ दिमाग में, तो मतलब सॉरी सर, तो एंड इस नोट पे हुआ था, तो मेरे को लगा उसका थोड़ा इंप्रेशन हो गया कि एग्जाम्पल नहीं बता पाया इमोशनल। और दूसरे इंटरव्यू में सर वैसा मेरा इंटरव्यू ठीक था, उन्होंने फिर क्वालिटी पूछी थी एडमिनिस्ट्रेटरी क्या क्वालिटी होती है, मैंने उसमें जैसे बताई थी इंटीग्रिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, थोड़ा इनोवेशन, तो और जो आखिर में मेरे से पवन कुमार सर ने फिर से क्वेश्चन पूछा, जैसे ब्रिज भूषण वाला उस टाइम केस चल रहा था कि रेसलिंग फेडरेशन का चेयरमैन कौन, मैंने नाम बता दिया, फिर आखिर में बोला कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं था, लेकिन फिर मैंने उसे लखनऊ, मेरे को पता नहीं क्यों क्या आया, मैंने लखनऊ बोल दी, जब ये गलत था, तो वो एक इम्प्रेशन ही वहां पे भी एंड खराब नोट से हुआ कि आप इंटीग्रिटी बोल रहे हो, आपको आता नहीं है, फिर भी आपने थोड़ा गैस किया है या बिना कुछ गैस कंसिस्टेंसी किया, तो बात ही मेरा इंटीग्रिटी तभी वो पूछना चाह रहे थे, क्योंकि बात ये है कि तुम्हारे को अगर जवाब आता है तो बताओ, नहीं आता तो जैसे आज तुमने बताया कि नहीं आता तो नहीं आता यार मेरे को। जैसे आज भी तुमने गेस कर आखिरी आखिरी स्टार्टिंग में तुमने ये कर दिया था कि ना बोल दिया था, आखिरी में जाते जाते तुमने वो क्रिकेट की पिच 3 से 5 मीटर बता दी, खुली है विड्थ है, ठीक है। तो वो वाली बात है, अगर नहीं पता तो हाँ ना बोल दो ना क्लियर कर तरीके से। मेरे को खुद अपने वाला याद है, हम भारत रत्न उस टाइम पे पता नहीं क्या क्या आए थे, कौन से अवार्ड आए थे, मैंने बैक टू बैक 7 क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे थे, 7 में से मैंने एक आंसर, वाले आए सर शायद उस टाइम। हाँ तो एक एक सवाल मेरे को आता था 7 में से, बैक टू बैक बोलता गया मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता नहीं आता, ठीक है चल जाता है ऐसे वाला, वो वाला बढ़िया है, पर क्लियरली ना बोल दो, गेस ना करो, और आसपास भी गेस नहीं होता ना, फिर बिल्कुल ही ऐसा सोचता बंदा कि कहीं और ही है, मतलब तमिलनाडु की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से होएगा और तुमने लखनऊ बोल दिया होगा, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वैसे वाला है। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट अबाउट दिस, इंटीग्रिटी इसलिए चेक करते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हारे क्या क्वेश्चन है। लंबे इंटरव्यू शायद हैं इस बार, इंटेंटली होने चाहिए इस बार मेरे हिसाब से तो, क्योंकि और या अनलेस कि इन्होंने लंच से पहले खत्म करने हो तो बात अलग है, बाकी अगर पूरे चलेंगे तो मेरे हिसाब से तो लंबे खींचेंगे, अच्छे खासे लंबे खींचेंगे, वो बैठे होंगे आराम से उस चीज के लिए कि होना है तो होना है, वैसे वाला है। बाकी और क्वेश्चन आपको हमसे पूछने कोई, व्हाट कैन बी डन? सर और सर ये नॉलेज वाले तो मैं करूंगा, थोड़ा पर्सनालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, जैसे इसकी कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, एक तो आई मूवमेंट वाली है इसकी, और या जैसे थोड़ा स्पीकिंग में अपने पोज लेना वाला, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो नहीं पा रही, कैसे करूँ, मतलब कैसे इंटीग्रेट करूँ इन चीजों को, जो पर्सनैलिटी में जैसे कम्युनिकेशन वाली है, बॉडी मूवमेंट वाली है, इनकी कैसे प्रैक्टिस करूँ, इनको कैसे इम्प्रूव। एक्चुअली अक्षय आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है ना, जी सर और मिरर के सामने जैसे मोस्ट प्रोबेबल आपके क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं आपको, या आपको मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे होते हैं डेफ में, आपको पता है आपने IFS का भी इंटरव्यू दिया है, इट विल रिवॉल्व अराउंड योर डेफ ओनली, ठीक है ना, तो उनको लिख लो और फिर उसको रिकॉर्ड करो और खुद को देखो कि आपको, और इसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंटरव्यू की, तो इसमें देखो कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो आपको जब आदमी देखता है तो उसको ज्यादा पता लगता है। आई मूवमेंट में आप पता क्या करते हो, जैसे आप, मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो आप एकदम से ऐसे ऊपर देखने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो, सोचना है लेकिन ऐसे नहीं है कि उनको, मतलब वो दैट वो बॉडी एक वो अलग दूसरा है। और दूसरा हाँ, एक और मैं आपको बात बताना भूल गया कि आपका जो हैंड मूवमेंट है ना वो बहुत ज्यादा है, आप क्वेश्चन मतलब आप जेस्चर देना चाहते हो कि ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत चलता है, योर हैंड शुड बी ऑन योर लैप, इतना भी नहीं है कि सर आप ऐसे, क्योंकि उसमें ना वो नर्वसनेस दिखाता है सर, राइट। आउट एंड आउट, हाँ, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट ओनली, राइट। तो बाकी तो जो बाकी सारी चीजें हैं, मतलब सी नॉलेज जैसे सर ने बोला, डोंट ट्राई टू ब्लफ देम, वो लगेगा उनको बोर्ड के यार हम लोग पागल हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स ही पूछ रहा है आपसे और फैक्ट ही आप गलत बता रहे हो, तो फैक्ट्स आर फैक्ट्स फैक्ट्स, उसमें हम गलत आर नहीं हो फैक्ट, सकते, वो ठीक गलत नहीं हो, वो है ना। तो सही है। सीधा बोल दो यार कि सर मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ पता होता है, ठीक है। बाकी बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि मिरर के सामने खड़े हो और आपको जिस भी लैंग्वेज में बोलना है, आपको मतलब एक वैसे देखो आपका पोस्चर कैसे है, आप कैसे बात करते हो, उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है ना, मिरर के सामने और मोबाइल के सामने आप रिकॉर्ड करो कि आप देखो कैसे बात करते हो और ये है, ठीक है ना। बाकी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो है वो अपने डेफ रिवॉल्व करा दो अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी आपके टीचर्स हैं जो भी है, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन उस पर बना के दे देंगे, तो उसके रिवॉल्व भी अराउंड वो घूमेगा, ज्यादा कोई है ही नहीं, ठीक है ना। एक ना पॉजेस पॉजेस के लिए यू कैन डू क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो अपने सामने किसी को भी मदर फादर, कोई भी अपने भाई वगैरह को, दोस्त होगा उसको बोल दो, या अपना स्टाफ मेंबर कोई भी होगा उसे बोल दो मेरे से सवाल पूछ। ठीक है, सवाल पूछ के ना तुमने बस, और ऐसे सवाल होंगे बड़े आसान सवाल होंगे, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम अक्षय एकदम से बोलोगे, ठीक है, तो ऐसे सवाल हैं जो कि तुम्हें पता है बट तुम देना नहीं चाह रहे हो आंसर उसका, ठीक है, ऐसे सवाल जिससे इमीडिएट निकले, कि जैसे नॉर्मल तुमसे पूछा जाए कि अब तो पता लग गया कि वर्ल्ड कप से है, कब कब से स्टार्ट है वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप कब से है, एकदम से तुम आज से नहीं बोलोगे, ठीक है, आराम से पॉज लो, आराम से ऐसे मल्टीपल 20-20 क्वेश्चन के ड्रिल करो, सुबह शाम रात को 3 टाइम पे करो आराम से, इसको भी गोली की तरह खाओ, क्योंकि पॉज तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि बात पता है क्या दिक्कत ये हो रखी है कि 5 हो रखी है, 5 दिन रह गए, 5 दिन में क्या पोस्चर सिखा देंगे बताओ हम, सही बात। कोई भी नहीं, कोई भी पर्सनैलिटी 5 दिन के अंदर नहीं मोल्ड कर सकता है अभी इस टाइम पे। एंड बात ये है कि नेचुरल, अगर ज्यादा हम चीजें बताएंगे भी तो उससे हाँ प्रॉब्लम नेचुरल जो तुम्हारा है वो इंस्टिंक्ट है जो तुम बेटर कर पा रहे हो उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम होगी। हो सकती है, ठीक है, वो क्षतिपूर्ति कहाँ से करेंगे बताओ हम सर। सर ये जो पोजीज वाला है ये भी मेरे को लगता है कम नंबर आने का, जैसे पिछली बार मेरे से इंटरव्यू पूछा था कि हरियाणा के 3 प्रॉब्लम बताओ 3 सॉल्यूशन बताओ, ये तो सारे तैयार करके जाते, तो मैंने वहां पे पोज नहीं लिया, सीधे 3 बताए 1 2 3 अरे बताए 1 2 3 खत्म। तो ये ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो मेरे को आते हैं ना मैं पोज नहीं लेता, तो उसके में जो आते हैं मैं बहुत जल्दी जैसे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में बता देता हूँ 1 2 3, यस तो मेरे को सोचना पड़ता है उसमें, फिर मैं क्रिस्प नहीं होते आंसर और थोड़ा सा वो होता है, तो इसमें उनको लग जाता है कि ये इसको आता है तैयार करके आया ये नहीं आता, तो ये भी एक रीजन है पोज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोज यस की भी यस प्रैक्टिस करनी वो तो पड़ती है ही। सर को जैसे सर बोल रहे हैं कि जैसे आपको कोई एकदम से आप शूट करोगे कि सर मुझे बताया, और अगर आपको नहीं आता बिल्कुल ही सर आटा हो गया तो ऐसे नहीं करना है। वो हाँ इधर वे है ना, वो वाली बात है, क्योंकि देर विल भी क्वेश्चंस जो कि नहीं आते होंगे, एंड उसमें तुम इतने प्रॉम्प्ट नहीं होगे, एंड हाँ जो तुमने तैयार कर रखे हैं वो तो वैसे वाला सवाल हो गया ना, कि जैसे तुमने मैथ में पूछा और तुमसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछ लिया जो कि हर साल आता है, रिपीट होके आ गया पिछली बार, जैसे तुम तैयार लिख के आए हो वो तुम लिख दो बढ़िया, के मैथ तो इज नॉट अ गुड जज ऑफ इट, बट हाँ जीएस का कोई क्वेश्चन हो गया या कोई भी हो गया जो तुम्हें आता है तुम लिख के चले गए हो कि क्या गति शक्ति क्या थी, तुमने पूरा टाप दिया है, उसमें कम चांसेस होते हैं नंबर मिलने के, बजाय कि उस क्वेश्चन के अंदर जिसमें तुम थॉट प्रोवोकिंग आंसर लिखते हो, जिसमें बढ़िया तरीके से तुम 3 फैक्टर्स बना के आंसर लिखते हो, जिसमें सोच के आंसर लिखते हो बस, खाली बस वही है ठीक है सर। और क्वेश्चंस आराम से सुनो कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी टेप ने है, वुमेन रिजर्वेशन बिल सुन लिया तो बस उसकी आगे पीछे सारी उसके बता दो, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको इंटरप्रेट करो, आराम से सुनो, देन टेक अ पॉज, जैसे सर ने बोला कि उनको बोल दो सर आई जस्ट नीड 30 सेकंड टू रिकॉल इट, फिर उसको एनालाइज करो, फिर बोलो कि सर ऐसे ऐसे आराम से, तभी 20-25 मिनट गुजरेंगे, नहीं तो फटाफट 5 मिनट में तुम सारे पर आंसर दे जल्दी भी हो दोगे। जाएगा ना, दोनों तरफ से डेंजरस काम है, 15 में हाँ बाहर आ रहे हो 45 में बाहर हो रहे हो, दोनों चीजें डेंजरस होती हैं, ठीक हाँ है, हाँ वी हैव गॉन थ्रू दैट, सर ने भी किया हमने भी कर रखा है, ठीक है, इधर वे में यू हैव गिवन फॉरेस्ट वाला इंटरव्यू भी, तो उसमें भी ड्यूरेशन वगैरह का इशू भी रहा होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर, यही वाली सारी सारी मुद्दे वहां पे भी हैं, तो यही है फिलहाल तो, बट या पॉज के लिए काम यही कर सकते हो, पॉज के लिए बेस्ट बेस्ट सोल्यूशन यही है कि एब्सोल्यूट कंसर्ट आते हैं। सर जैसे कुछ क्वेश्चन वो काफी लेंथी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पूछना बैकग्राउंड देते हैं तो उसमें कई बार जो क्वेश्चन आता है तब तक तो हमको जो बैकग्राउंड दिया है वो भूल जाते हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी होता है, और कुछ बार कई बार ये 4-5 क्वेश्चन एक साथ पूछते हैं क्वेश्चन में, इसमें क्या दिक्कत है उससे क्या रिलेशन है, ऐसे कई बार हम जैसे थोड़ा सा नर्वस होते हैं तो 4-5 क्वेश्चन भी याद नहीं रहते, कई बार फिर हम पहला का आंसर देते थे 5वें का आंसर देते हैं बीच में मिस नहीं, तो अगर 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछ ले तो तो आप इसका पूछ क्या लो, दिक्कत। आप पूछ लो पोलाइटली कि सर आपने सर, व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप पूछ लो उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ऑल्सो जब भी लंबा क्वेश्चन कोई पूछ रहा होता है ना तुमसे, तो लंबा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा होता है, वो पहली बात तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं होता कभी भी, वो हमेशा मिड में होगा या सबसे आखिरी आखिरी में जाते जाते हो, वो इसलिए होगा क्योंकि वो दे आर चेकिंग यू कि तुम सुन भी रहे हो, आराम से सुन लोगे इस आंसर को, उनको आंसर से कुछ नहीं लेना देना कि तुम आंसर कर दोगे या नहीं कर दोगे, उनको नहीं जानना कि ये चीज ठीक है गलत है किस तरीके से दिए इसने आंसर, उन्हें ये है कि सुन रहा है आखिरी तक सवाल को, क्योंकि यू हैव अ टेंडेंसी टू जस्ट जंप कि अब हाँ ये आ गया ये वाला आता ये चल मैं बता देता हूँ, ठीक है ये वाला बता देता हूँ ये वाला बता देता हूँ, फिर एकदम से तुम ऐसे हो जाते हो जो पार्ट तुम्हें नहीं आता, फिर एकदम नहीं ये नहीं आता, फिर अब ये वाला है जो तुम्हारे फेस पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जो तुम्हारे तुम्हें पढ़ रहे हैं बस और कुछ नहीं कर रहे हो, तुम किताब हो वहाँ पे वो पढ़ने जा रहे हैं बस वहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो लंबे क्वेश्चन हैं उसको आराम से आखिरी तक सुनो, जितना तुम्हें आता है उतना आंसर दे दो आराम से, एंड जो मल्टीफोल्ड क्वेश्चन हैं उसको रिकॉल करवा लो दोबारा, कि 2 सवाल तो याद रह जाएंगे कम से कम, एक दो हैं तुम्हारे सॉल्यूशन पूछा है कि क्या करोगे इसके अंदर, तो तुम्हारे को कॉन्टेक्स्ट पता है, हल्का सा कॉन्टेक्स्ट पता है, हल्का सा आंसर पता है, हल्का सा आंसर देके आ जाना बस, खाली जितना समझ आ रहा है उतना देके आओ।
आराम सर से। मेरे साथ ये भी कि मैं ओबी में योगा एंड मेडिटेशन लिख रहा हूँ, तो जो आप कह रहे हैं इसमें थोड़ी नर्वसनेस दिखती है, तो इसमें भी खराब इंप्रेशन जाता कि आपकी ओबी जो है आप हाँ उसके साथ जस्टिस करते हुए दिखता नहीं, तो ये इसके तो लिए मैं थोड़ी बोर्ड आउट लगा एंड हूँ। आउट ये तो इशू है जो भी है। हाँ पर ये हरियाणा वाले डैफ के अंदर इन्होंने इंटरेस्ट भरवाए थे उस टाइम पे। नहीं सर, बस ठीक है, फिर ये प्ले सेफ करो ना इसके अंदर, या तो हॉबी भी नहीं बना लो 2 दिन में, कुछ और जो कि आती हो सही वाली, कि हाँ जो जिसमें नर्वस ना हो कि ऐसा आउट एंड आउट लगे कि तुम क्या करते हो बढ़िया वाला। क्रिकेट सेफ है बैट इसलिए है क्योंकि तुम अगले 5 दिन तक अखबारों में पढ़ते रहोगे इसको, ठीक है, सेफ बैट है जी क्रिकेट, तो हो सकता है आराम से बात भी कर लेंगे, बातचीत का एक माध्यम है एक तरीके से, तो वो तो व्यवहार करने आए हैं तुमसे बातचीत करने। सर, मैं इसमें योगा एंड मेडिटेशन की जगह सिर्फ योगा बोल देता हूँ कि हाँ मैं योगा कर दो, फिजिकल योगा कर जर्नी दो, करता हूँ। मेडिटेशन पे सबको ज्ञान है, राइट, बात हाँ ये है सबको सामने, ऐसा कोई टॉपिक ना हो जिसके बारे में सामने वाले को तो बहुत ही पता है सबको, बहुत बढ़िया वाला। तो बात वही है, मैथमेटिक्स भी वन ऑफ द टॉपिक ऐसा है जो कि सभी को नहीं, बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें पता है, जो हमने सवाल भी किए हैं ये भी हम में ऐसे है कि हमें पता है कि काफी बार ले चुके हैं तो हमें पता है थोड़ा ऐसे सवाल है, नहीं तो मैथमेटिक्स के ऊपर सवाल एकदम से इमीजिएट आते नहीं है क्योंकि कोई वो नहीं है, ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में सभी सभी को ज्ञान हो, हो गया। ऐसे वाला सब्जेक्ट नहीं है ये, तो बी ओपन अबाउट इट। और सर जब इंट्रोडक्शन का बोलते हैं तो उसमें मैं, क्योंकि पहले तो बोलते हैं अपना नाम और वो एड्रेस आइडेंटिटी रिवील करे बिना, तो उसमें सबसे स्टार्ट करता हूँ मैं कि मैंने 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके जी बाद मैंने 2 जनवरी से ईपीएफओ में काम करना स्टार्ट किया और जुलाई में मैंने बीडीपीओ में ज्वाइन किया है, और मेरी हॉबीज ये है। तो इंट्रोडक्शन में मैं 3 एलिमेंट डालता हूँ, ये 3 ठीक है या और कुछ डालने की जरूरत है कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ या ऐसा कुछ, या पेरेंट्स का प्रोफेशन, ये मैं तो ये 3 चीजें क्योंकि बोलता हूँ इंट्रोडक्शन सिंस तुम वहां से आ रहे हो और वो अगर वो मेंशन करेंगे तो मैं भिवानी मेंशन नहीं करना है अनलेस की, ठीक है, तो अगर नहीं बोल रहे हैं, अगर वो बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, देन यू हैव टू मेंशन छोटी काशी वाला पार्ट एंड मिनी क्यूबा वाला पार्ट तुम्हें यूज करना ही करना है क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने आप के अंदर, दोनों पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जाते जाते जो तुमने इंटरेस्ट है ना, जो तुम करिकुलर एक्टिविटीज है नॉर्मल टाइम में क्या करते हो, या फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, दिस कैन बी एडेड हल्का हल्का सा, ठीक है, जिसपे तुम कंफर्टेबल हो एड वही चीज करो जिसमें तुम आंसर क्वेश्चन आए तो बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर साथ साथ के साथ में, ठीक है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योगा तो तुम्हारे को 4-5 आसन पता होने चाहिए, थोड़ी डिफरेंस पता होना चाहिए, योग का मीनिंग क्या है अपने आप में, योग की एंशियंट क्या है, फिलोसफी हाँ मैं, क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या है, कहाँ से आया है, लीनियजेस पता होने चाहिए, ठीक है, ये सभी सभी चीजें। और सर इंट्रोडक्शन में ये भी डाल सकते हैं, काफी लोग डालते हैं कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विस या ना हरियाणा ना ना सिविल ना, सर्विस, डोंट नहीं डोंट डोंट, फंस जाओगे, या फिर अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस। नहीं, दे हैवंट आस्क्ड इट, डोंट गिव देम दैट, तुम अपने बारे में बता रहे हो पता है पर इतना नहीं बताना कि मतलब बिल्कुल ही खोद दें उसको, फिर वो ज्यादा ठीक है खोद सर, देंगे उसके बाद। ठीक है अक्षय, डोंट वरी, यू आर अ प्रोबेबल कैंडिडेट, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना? ठीक प्रॉबेबल क्या, है ना? ठीक प्रॉबेबल ही है, अब 60 तो है ना? नहीं बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आराम से, छोटी मोटी चीजें हैं, बस इस पे काम करो एंड यू विल गो थ्रू इट, डोंट वरी। ठीक ठीक है है, सर, थैंक ओके यू सर, फाइन यार, ऑल द बेस्ट, ओके, होगा ऑल द बताओ, ठीक बेस्ट, होगा, पक्का होगा, देन हो जाएगा, देन ठीक है, फिर मिलते हैं जब हो है जाएगा। ठीक है ठीक ओके, है चलो, सर, ऑल द बेस्ट यार, ओके, थैंक थैंक यू।